तो दोस्तों आपकी डिमांड पे हम आ चुके हैं ट्रक पे, है ना। और ये भैया भाई साहब हम लोग ढाबे पे रुक चुके हैं, देख सकते हैं ये है कुटिया और इसी के अंदर बैठ के खाएंगे खाना। तो भाई साहब ये आ चुके अपनी सेव भाजी जो कि हम बहुत दिन बाद खाने जा रहे हैं आज, और ये रही दाल दोनों हाथ। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 12, मतलब सुबह के बाद दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना। तो अभी आज हम जाने वाले हैं ट्रक पे, अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आज ट्रक पे सीधा, और उसी ट्रक पे जाएंगे जिस जो हम चलाते थे पहले, ठीक है, वही 1203 जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको मालूम होगा, ठीक है, उसी गाड़ी पे चलेंगे। तो अभी क्या करते हैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं। और ये मम्मी सिल रही है शिवानी की ड्रेस, ये मम्मी हमारी टेलर बन गई है आज। अरे मतलब पहले सिलो पुराने जरूर, बस तो मम्मी शिवानी की ड्रेस सिल रही है। अभी खाना वाना खाते हैं, अपनी गाड़ी करते हैं साइड में, उसके बाद हम निकलते हैं सीधा ट्रक पे, ये चाबी लेते हैं, उसके बाद अपनी चलते हैं गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं, उसके बाद में सीधा निकलते हैं अपना ट्रक पे। ये खड़ी रही ना रोड पे, तो इसको एकदम साइड में खड़ी कर देते हैं दीवार से चिपका के एकदम। तो इसको एकदम क्या करते हैं, वैसे तो अभी सुबह यहीं खड़ी किए थे, अभी हम निकल के जा रहे थे अपना लखनऊ, तो अभी फिर दीवार में चिपका देते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई साहब गाड़ी अपनी क्या करते हैं साइड में खड़ी कर देते, वैसे हम अपनी गाड़ी लेके लखनऊ निकल रहे थे, अभी नहा धो लिए थे, पैंट भी नहीं पहने भाई तौलिया पे, तो हम जा रहे थे लखनऊ, खाना बस खा के निकलने वाले थे, तो अपना भाई मतलब वो भाई अपना आ रहा जो गाड़ी चला रहा था अपनी गाड़ी 1203 राकेश भाई अपने, जो कि वो जा रहे हैं पटना, ठीक है पटना जा रहे हैं, तो अभी आएंगे कानपुर से यही वाला रास्ता अपने गांव के पास वाला, तो उनके साथ में अपना निकलते हैं ट्रक पे। तो चलिए दिखाते हैं क्या है सीन, उनके पूरी गाड़ी में पूरा सेटअप है, बर्तन वर्तन सब रखे हैं, कह रहे मोहित भाई आना और हम लोग फिर बनाएंगे अपना भाई टकाटक वाला सीन ना। तो चलते अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं एकदम दीवार में चिपका के, क्योंकि ये मतलब रोड है ना, तो कोई आया जाएगा तो दिक्कत होगी, एक गाड़ी आराम से निकल जाती है यहाँ खड़ी। दोस्तों गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है, उसमें डाल देते हैं कवर, क्योंकि भैया 2-3 दिन खड़ी रहेगी वैसे ही, तो कोई सफा वफा तो करेगा नहीं, तो गंदी ना हो ना, तो क्या करते हैं कवर ऊपर डाल देते हैं। कहाँ रखा हमें कवर, कुर्सी के ऊपर मिला, ले आओ अपने नए पड़ोसी पंडित जी। हाँ एक सिस्टम आगे वाला एक पीछे वाला, ये कान आगे करो, कान कान कान, हाँ आगे है आगे है, ठीक है, पर उल्टा है शायद, गंदा वाला हिस्सा अंदर कर रहे हो तुम, चलो लगा दो लगा दो, कोने तरफ ज्यादा गंदा है, थोड़ा बहुत हो तो कोनो काम चले, फंसा दो एकदम, हाँ बढ़िया से। ये नीचे वाला फंसाओ इंसान, तबे सही हुई, मतलब तुम्हारे काम मिसाल वैसे है, ये तरफ का सिलाई कहाँ है, ये तरफ कहाँ है, कुछ तो मेरा गन उठाओ ना। अच्छा बस पंजी जी धन्यवाद, 2-3 दिन ऐसे खड़ी रहने वाली है, और थोड़ा लूच कर दो। जा रहे भैया हम पटना, पंजी जी जा रहे हैं पटना, हम नहीं जा रहे, तुम जा रहे हम जा रहे हैं पटना। तो ठीक है भैया कवर ओवर पड़ गया, अभी खाना पीना खाते हैं और वेट करते हैं, जैसे ही आते हैं अपने क्या बोलते हैं राकेश भाई, फिर निकलते हैं पटना के लिए। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा लेते हैं, मम्मी कर रहे हैं सिलाई, तो हमें को अपने हाथ से निकालना पड़ेगा, निकालते हैं खाना, देखते हैं क्या बनाए मम्मी, शायद दाल तो बनाए थे जैसे बताया, तो देखते हैं भैया क्या बना है। इस पतीली में पड़ी है दाल, दाल बनाया अरहर गाढ़ी दाल बहुत बना दिएगा मम्मी, अरहर की कुछ तो दाल है, हमें ये रखा शाम का चिकन, शाम का चिकन बना था तो चिकन भी रखा हुआ है, और ये रहे भैया अपने चावल, यही सब खाते हैं और उसके बाद भैया एंजॉय करते हैं भाई, आज खुशी हो रही भाई, काफी दिन बाद इतने लंबे घूमने जा रहे हैं, तो मतलब खुशी ना अंदर से एकदम टकाटक वाली है, टकाटक मतलब जितना हमारे जो नए सब्सक्राइबर भाई बोलते भाई टकाटक बोलते हो क्या है, टकाटक मतलब एकदम मस्त, समझ गए।
भाई सीन ये है कि चिकन भी रखा है इधर, इधर दाल है, तो दाल खाने का मन ही नहीं कर रहा भाई। हम सोच रहे हैं कि दाल खाएं हम, लेकिन अंदर से आत्मा करे नहीं मोहित चिकन खाओ, ये समस्या है भाई। अभी क्या करते हैं, आत्मा की मानते हैं भाई, नहीं तो गुस्सा आ जाए तो निकल, अगर शरीर से भाग गए तो हमारा काम खत्म। ये लिए हम खा लेते हैं भैया चिकन, रखा तो एकदम मस्त है जो कि मम्मी बनाए थे शाम को चिकन। और मम्मी हमारी बहुत लल्लन टॉप बनाती है चिकन, लल्लन टॉप। थोड़ा तो खा ही लेते हैं, क्योंकि भैया चिकन की दाल, दाल तो मन नहीं करता भाई। चिकन मटन या फिर मछली ये सब देख के हमारा मन नहीं करता कि हम दाल खाएं। निकल चुका अपना भैया खाना, चावल चिकन रोटी, दाल को बोलते बाय बाय, तुमको खाएंगे बाद में जब भूख लगेगी। मम्मी हमारा चिकन देख के दाल खाए मन नहीं करत। तुम तो कह रहा दाल ना बनाई चिकन खा लियो, लेकिन हमा मन करता है दाल खाई, दाल बन गया फिर नहीं मन कर रहा, कोनो बात नहीं। तो ठीक है दोस्तों, खाते खाना उसके बाद में। तो दोस्तों खाना तो खा लिया, अभी अभी हमें एक काम मिला है कि जाओ खेत देख के आओ, वहां चारा काटने वाले फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो मम्मी जो हुक्म दिए खेत देख के आओ, तो मम्मी साइकिल से चले जाई कि मोटरसाइकिल से? साइकिल से जाओ, साइकिल साइकिल ले जाई, साइकिल थक जाई पे चला, बहुत दिन से चला रहे ना तेल नहीं। तो भैया आज हम चलते हैं, चलो साइकिल से चलते, साइकिल चलते खेत देख के आते और आपको दिखाते हैं हमारे खेतों में कौन सी फसल तैयार हो रही है ना। टन टन, चलते हैं वहीं मिलते ना। क्या बच्चा बरसीन काटे होगा हैं? लील गाही तो नहीं आई, लील गाही है? तो भाई साहब एक वो खेत है वो सामने जिसमें दिख रहे हैं गेहूं बोए हैं, ये वाला आगे, और एक वो है सरसों वाला जिसमें सरसों बोए हैं। चलिए चल के वहां दिखाते हैं उसके अंदर का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं ना वो चारा काटने वाले वो बहुत बर्बाद किए हैं, खबर आई है, इसीलिए हम देखने आए आज। और एक इधर है इस सामने, उसमें बोए शायद गेहूं शायद बोए हैं। तो पहले हम सरसों वाले में चलते हैं, क्योंकि नुकसान जो हो रहा है ज़्यादा वो सरसों वाले में, इतनी ज़्यादा सरसों तोड़ दिए हैं, ये देखो सब टूटा पड़ा है ना नीचे। ये रही कहानी अंदर की, काफ़ी तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया भाई, क्योंकि दूर है ना घर से 2 किलोमीटर, यहाँ कोई देखने तो आता है नहीं, इस चक्कर में बहुत खेती भाई अपनी फसल हो चुकी बर्बाद। यह है पूरा सरसों जिससे आएगा तेल, ये वाला पूरा खेत रहा भाई सरसों वाला, जो कि है बड़ा सा जितना दिख रहा है काफ़ी बड़ा उधर, और गेहूं वाला दोनों खेत उस पार हैं। तो देख लिए दोनों बड़ा बड़ा, अंदर क्या ही ढूंढेंगे, अंदर हो सकता है जानवर वगैरह बैठे हो। तो चलते हैं अब घर भाई। भाई साहब अपने खेत तो देख लिए, अभी चलते हैं क्या करते हैं घर धीरे धीरे, क्योंकि 2 किलोमीटर अभी साइकिल चला के और जाना है भाई, 2 ही किलोमीटर आने में पैर दर्द करने लगे भाई, मतलब बहुत दिन से चलाए नहीं साइकिल, आज शायद 2 किलोमीटर आज करीब करीब हमें लग रहा है 5 से 6 साल बाद चलाई होगी बस, और ज़्यादा ही हो गए होंगे इससे कम नहीं हुए, क्योंकि हम तो यार साइकिल चलाते नहीं, आदत किसी चीज़ की छूट जाती है ना तो तकलीफ होती है, मतलब चला तो लेते हैं वैसे कोई बात नहीं चला नहीं पाते, चला भी बहुत अच्छे से लेते हैं लेकिन दर्द होता पैरों में बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों हम लोग खेत वेत घूम के आ चुके हैं, अपना गोलू भाई पीछे बैठा है और आज हम लोग की साइकिल से हो रही ब्लॉगिंग। ठीक है अभी चलते हैं घर, वहां से निकलते हैं अपना कपड़ा वपड़ा पैक करके सीधा पटना बिहार। गोलू चलक पटना नहीं बताते जाए, गोलू को जाना शादी में, गोलू भी जाता। दोस्तों भी देख सकते हैं रात के 8:30 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं अपना ट्रक पे, और मम्मी इधर बैठ के देख रहे हैं नाटक। अरे जो है सब नाटक है, सब है। तो मम्मी देख रहे हैं नाटक वाटक जो भी है सीन इनका। तो अपन चल रहे हैं ट्रक पे, गाड़ी आने वाली है, आधा घंटा में पुरवा पहुंच जाएगी, तो हमको जाने में करीब लग जाएंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम भी निकलते हैं पुरवा के लिए।
तो वैसे तो विशाल को लेके जाते, लेकिन भैया कहाँ ले जा रहे हो बता। विशाल बोला भाई हमको भी लेके चलो पटना, पटना नहीं पुरवा तक की बात थी, चलो हम चले हैं, चलते हैं भैया। और दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, अपने सवारी आ चुकी है। चलो चलो चलो, मम्मी गैस बंद कर ले हो। यार भाई राकेश बोले है ना तुम्हें सामने तो बोली सी है, ऐसे चलाओ हम ना चले, ठंडी लागी भाई, हमारी 464 हुई रही आओ। ठंडी जैक जैक नहीं करी तुम्हें, चलो कोई बात नहीं जी, जैक जा पकड़ो ना फिर भैया, ठंडी में जड़वा दे बताओ हमका। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं पुरवा। ठंडी लग रही बहुत ज्यादा, गाड़ी हमें तो चलवा दिए भाई, रास्ते में हो गए ठंडे पूरे, तो जैकेट पहनना पड़ा भाई, है ना। रास्ता देख सकते हैं काफी एकदम अंधेरा है। दोस्तों ये आ चुकी अपनी गाड़ी, बस फटाफट बैठते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है। भाया आ गए, भाया आ जाओ, चला जाए भाई, बिल्कुल आ जाओ। अरे यार बंद कर ली, ये तो वही वाली गाड़ी ले जाओ भाई, 1203 भाई साहब, बड़े दिन बाद ट्रक में बैठने का मौका मिला है, और भी वही गाड़ी है जो हम चलाते थे। तो ये रहा अपना शहीद बस, जो कि झमाझम सजा हुआ है एकदम, हालांकि पहले भी सजा था लेकिन हम दिखा नहीं पाते थे अपनी कार से बराबर। तो अभी जो ना एकदम क्या ही बताएं, एकदम मस्त लग रहा है क्योंकि हाइक पे बैठे ना, हाइक पे तो देखने में आ रहा है एकदम आनंद, मजा आ रहा। तो देख सकते हैं अभी लुलु मॉल के पास पहुंचने वाले हैं, वो भी दिखाते थे आपको हम। ये राम मैदानता हॉस्पिटल जो आपके राइट में दिख रहा होगा, मैदानता हॉस्पिटल, और राकेश भाई भी देख लो वीडियो बना रहा है लुलु मॉल का ना, वो रहा लुलु। आज के कमता चौराहा, ये रहा राकेश, गांव लग रहा भाई, हेलो। और ये रही भाई गाड़ी, ओए अरे भाई राकेश की ये खड़ी रही चीज है, ठीक है, और हम लोग यहाँ बैठे, राकेश की नहीं है अभिषेक की। अभिषेक आवे, हेलो। वो सोच रहा पता कौन आईटीएस वाले ने गाड़ी वीडियो देखा है। आईटीएस कंपनी वाले ने देख लेना, तो मैं कौन सी बड़ी बात है, जो है सो है। ये रही गाड़ी, मैं दिखाता हूँ भाई नीचे से, भाई साहब चड्ढा पहनना। अरे भाई गुदगुदी लाग रही, तो बंद कर, तू जय तू जहां बंद कर, बंद कर। बहुत हरामी लो मुझे भाई साहब, और आ रहे अभिषेक भाग जा रहा बार बार। चलो हम चलो तो हाँ, अबे नीचे तो आ जाओ, मिलते लो मिलते भाई थे, पैंट पहने। अरे पैंट कौन सा पहनना, कौन ये देखो आ रहे, चड्ढी चड्ढा तो पहने हो भाई, अजीब आदमी हो यार। अरे कोई बात नहीं, ये रे भैया अपने अभिषेक भाई की गाड़ी, ये रहे अभिषेक भाई की गाड़ी 5526 है ना, वो शर्मा रहा आ नहीं रहा हमारे पास। और ये रही भाई साहब अपनी 1203 जो हम पहले चलाते थे, वही वाली गाड़ी है, थोड़ा टेप वेप करवा दिया तो अलग रह रहे भाई। हाँ अब हम लोग रुक चुके हैं ढाबे पे और खाएंगे, अब क्या खाएंगे, खाना। भाई कितने बजे से गाड़ी चला रहे सुबह बताओ ईमानदारी से, सुबह 4 बजे। हालत खराब, कहा है हालत खराब भाई, थक तो गई पे भाई हो ना, इंसान है ही नहीं आ रहा हूँ। मुझे थक गया, सुबह 4 बजे से भाई गाड़ी चला रहा हो चुका एकदम, मतलब थक गया, तो ढाबे पे गाड़ी खड़ी की है, हम लोग चलते खाना खाते। कितने बज गए भाई साहब, हम लोग ढाबे पे रुक चुके हैं, देख सकते हैं ये है कुटिया, और इसी के अंदर बैठ के खाएंगे खाना हम और राकेश भाई। तीसरा भाई कौन है अपने साथ, शुभम, शुभम भाई मेरा भांजा, भांजा है, और एक मामा मिला है रस्तम तुम्हारे, वो तो वीडियो नहीं बनवाई अभी मामा। वो सोच रहा भाई कि आईकेएस वाले जान न जाए कि ओला ऊबर चला रहे हैं ना, ये चक्कर में शकल नहीं दिखा होता है, तो फटाफट आर्डर मारो और चलते हैं फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब ये आ चुकी अपनी सेव भाजी, जो कि हम बहुत दिन बाद खाने जा रहे हैं आज, और ये रही दाल, दोनों हाफे लगा देंगे कि ये फूल है, तो ठीक है भाई, हम लोग खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के निकलते हैं सीधा ट्रक पे, कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे पूरी रात,
जो कि हमारे राकेश भाई है ना, उसके बाद में सुबह से अपना वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का खाना अपना यही रहा, तो खाते हैं फिर चलते हैं सीधा गाड़ी पे। तो दोस्तों खाना वाना खा के तो हम लोग आ चुके गाड़ी पे, तो अभी गाड़ी रात भर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जाना हम लोग को कहाँ पे, पटना, मुजफ्फरपुर पटना। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर पटना। तो भैया जी मुजफ्फरपुर पटना जाना, एक जगह जाके दोनों जगह जाना है। तो चलिए दोस्तों ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।